बात करेंगे सेल साइकिल। तो सेल साइकिल सेल डिवीजन का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसमें क्या होता है कि एक सेल से दूसरी सेल बनने तक कई सारे प्रोसेस होते हैं। तो एक सेल लेकर दूसरी सेल बनने तक जितना भी घटनाक्रम होता है, जितने भी इवेंट होते हैं, जितने भी फेज होते हैं, उस सभी फेज को मिलाकर हम जो कहते हैं सेल साइकिल। तो बेसिकली एक सेल से दूसरी सेल बनने में फोर फेज होते हैं, फोर स्टेप होते हैं, उसके बाद नई सेल का निर्माण होता है। तो इन्हीं सभी स्टेप को, जितने भी स्टेप होते हैं, कलेक्टिवली हम क्या कहते हैं, सेल साइकिल कहते हैं। तो सेल डिवीजन की आवश्यकता क्यों होती, कैसे सेल में सेल डिवीजन होता है? तो दो कंडीशन होती है कि सेल्स के अंदर जो प्रोसेस होता है मेटाबॉलिक एक्टिविटी ऑलवेज चलती रहती है। दूसरा, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको ऑलवेज नई सेल्स की आवश्यकता ही पड़ती रहती है। जैसे हम प्लांट्स का ले लें या किसी भी ले लें, तो ग्रोथ क्या होता है कि सेल बेसिकली देखा जाए जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है सबकी फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट है, जिसे हम सेल कहते हैं। यानी सेल जो है शरीर की सबसे छोटी यूनिट है। तो शरीर में अगर कुछ नया बनना है, कुछ भी नया डेवलप होना है, तो उसके लिए सबसे पहले चीज होती है सेल। तो सेल में क्या होता है कि बेसिकली जब सेल की मेटाबॉलिक एक्टिविटी हो रही होती है, तो सेल का जो शेप एंड साइज होता है वो निश्चित होता है। तो उसके अंदर साइटोप्लाज्म, क्रोमोसोम या जो भी चीजें, प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, बहुत सारी चीजें जो होती बन रही होती है। जब बहुत ज्यादा बन जाती है तो उस समय जब साइज निश्चित होता है, तो उसके लिए उस मटेरियल की नई सेल की आवश्यकता होती है, इसलिए भी सेल डिवीजन होता है। दूसरा ये होता है कि सेल डिवीजन इसलिए भी होता है कि नई सेल, नए ऑर्गन्स डेवलप होने, नए चेंज होंगे। तो नए सेल्स का बनने के लिए, नए ऑर्गन्स बनने के लिए नई सेल्स की आवश्यकता होती है। उसी प्रकार जैसे हमें एक घर बनाना हो, तो घर अचानक नहीं बनता, घर से लेने से पहले हमें एक प्लाट चाहिए होता है। प्लाट से पहले हम ईंट का व्यवस्था करते हैं, कंक्रीट की व्यवस्था करते हैं, तो बहुत सारी व्यवस्थाएं बनाने में कई साल लग जाते हैं। धीरे धीरे स्टेप आता है कि एक दिन आता है कि आप मकान बनना स्टार्ट करते हैं और मकान बन जाता है। ठीक इसी प्रकार जब सेल को सेल डिवीजन करना होता है, तो एक जीरो पॉइंट से कहते हैं जीरो, जी जीरो नेस्टिंग स्टेज होती है, जिसे जीवन फेज भी कहते हैं। तो जीवन में क्या होता है कि कहने को तो ये इंटरफेज है, प्रोफेज अवस्था होती है, ये रेस्टिंग फेज होती है। नाम इसका रेस्टिंग है, लेकिन इस फेज में सेल के अंदर सबसे ज्यादा हाईली मेटाबॉलिक एक्टिविटी पाई जाती है, सबसे ज्यादा काम होता है। तो उस समय क्या होता है कि सेल का एक डिसीजन होता है कि हमें क्या करना है। तो बेसिकली अगर हम देखेंगे कि सेल साइकिल में जो फोर फेज है किस तरीके से होते हैं, तो पहले फेज में क्या होता है, पहले फेज में सेल डिवीजन का डिसीजन होता है कि हमें सेल, एक नई सेल की आवश्यकता है, नई सेल बनानी है। तो पहले डिसीजन होगा, अब नई सेल बनानी, तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए होगा, प्रोटीन चाहिए होगी, आरएनए चाहिए होगा, राइबोसोम चाहिए होंगे, और टोटल सेल साइकिल का 30-40% समय लगता है। अब सबसे पहले बात हम कहते हैं आरएनए राइबोसोम की। तो आरएनए राइबोसोम जो है आवश्यकता के अनुसार जितने प्रकार की सेल को प्रोटीन चाहिए होगी उस सेल का निर्माण करेगी। तो सबसे पहले आरएनए चाहिए होगा और राइबोसोम आवश्यकता होगी जो प्रोटीन सिंथेसिस करेंगे, जो प्राइमरी प्रोडक्ट है। फिर उसके बाद क्या होगा कि इस फेज में क्या होगा, डिसीजन होगा, आरएनए राइबोसोम और प्रोटीन का सिंथेसिस होगा, इतना काम होगा इस जीवन फेज में। और इस कार्य के लिए इसमें लगभग टोटल सेल साइकिल का 12 घंटे का समय लगेगा। फिर इसके बाद जो जीवन फेज से सेल साइकिल जो है वो G2 फेज में इंटर कर जाता है, एस फेज में इंटर कर जाती है। तो एस फेज बेसिकली क्या होता है, इसमें 6 आवर का समय लगता है। इस फेज को हम डीएनए सिंथेसिस फेज भी कहते हैं, क्योंकि यहां पर प्रोटीन, आरएनए और राइबोसोम बन गया। इसका जिस फेज में क्या होता है, बेसिकली तो मटेरियल मिल गया, कच्चा माल आ गया है, तो इस फेज में डीएनए सिंथेसिस होता है। इस फेज में टोटल सेल साइकिल का 30-50% समय लगता है और इसमें डीएनए का निर्माण हो जाता है। इस ए फेज भी रेस्टिंग फेज में आती, इंटरफेज ए भी हाईली मेटाबॉलिक एक्टिव होती है। इस फेज में क्या होता है कि डीएनए रेप्लिकेशन होता है और उससे नए डीएनए का निर्माण होता है। फिर हमारी तीसरी फेज आती है
G2 फेज, इसे हम पोस्ट डीएनए सिंथेसिस फेज भी कहते हैं। इस फेज में 12 घंटे का काम रहता है। अब हम देखेंगे कि यहां पर हमारा आरएनए बन गया, राइबोसोम बन गया, यहां पर हमारा डीएनए बन गया और बहुत सारी चीजें बन गई। तो इस फेज में जब डीएनए आरएनए बन गया तो इस फेज में बेसिकली क्या होता है, G2 फेज में माइटोकांड्रिया, क्लोरोप्लास्ट और दूसरे जो सेल ऑर्गन्स हैं उनके डिवीजन के द्वारा फॉर्मेशन का काम होता है। तो अगर देखें तो G1 में तैयारी शुरू होती है सेल डिवीजन की और G2 तक आते आते तैयारी एकदम रेडी हो जाती है। सभी मटेरियल जो चाहिए होता है डिवीजन के लिए पूरी तरीके से सेल हमारी रेडी होती है, बस उसे अगले आदेश का इंतजार होता है। तो यहां तक आते से जो M फेज है इसे हम मेटाफेज या माइटोटिक फेज कहते हैं। तो बेसिकली जो माइटोटिक फेज है इसमें 5-10% टोटल सेल साइकिल का समय लगता है और यह साइकिल 1 घंटे में कंप्लीट हो जाती है। और जब यहां पर सभी मटेरियल कंप्लीट हो जाता है तो सेल इंडिकेटर करती है कि सभी हमारी तैयारियां कंप्लीट हो गई हैं, राइबोसोम बन गया है, आरएनए बन गया, डीएनए बन गया, साइटोप्लाज्म की बाकी चीजें भी बन गई हैं। तो सीधे फिर क्या होता है, सेल डिवीजन होता है। तो वास्तविक कार्य जो होता है डिवीजन होता है वो एम फेज जो होता है, बाकी तीनों फेज में डिवीजन की प्रिपरेशन होती है, प्रिपरेशन फेज भी इसको कह सकते हैं। तो यहां पर इस फेज में आते ही इस फेज का काम या बंद हो जाता है G2 फेज का, यानी कि हम माइटोकांड्रिया क्लोरोप्लास्ट डिवीजन के बाद इसका काम बंद हो जाता है। तो एम फेज में क्या होता है, प्रोफेज आती है, मेटाफेज आती है, एनाफेज आती है, टेलोफेज आती है। इन तीनों फेज के डिवीजन के बाद क्रोमोसोम अलग अलग पोल्स पर चले जाते हैं, फिर साइटोकाइनेसिस होता है। साइटोकाइनेसिस क्या होता है, 1-2 सेल का निर्माण हो जाता है, उन सेल के सभी कैरेक्टर्स अपनी पेरेंटल सेल के समान होते हैं और इस तरीके से 1-2 सेल बन जाती है और पूरी सेल साइकिल कंप्लीट हो जाती है। तो हम बात करेंगे जो पूरी सेल साइकिल है, तो सेल साइकिल में कभी कभी एक नंबर में क्वेश्चन भी आता है कि सेल साइकिल के जो फेज उनका सही सिक्वेंस क्या है, G1, S, G2, M, ये हमारा सही सिक्वेंस है जो हमारा फेज होता है। अब यहाँ G1, S और G2 फेज मिलकर बनती है इंटरफेज और जो एक्चुअल डिवीजन होता है वो एम फेज में होता है। तो पूरी सेल साइकिल को कंप्लीट होने में 31 आवर्स लगते हैं। जो बिसिया फोबा प्लांट वाला होता है तो उसकी अगर सेल डिवीजन की साइकिल हम देखेंगे उसमें 31 आवर्स लगते हैं। तो बता दिया कि G1 फेज में 12 आवर्स, S फेज में 6 आवर्स, G2 फेज में 12 आवर्स और M फेज में 1 आवर। इस तरीके से हमारा एक सेल साइकिल कंप्लीट हो जाती है 31 आवर में। ये सेल साइकिल जो है बेसिकली स्पीसीज टू स्पीसीज, एनिमल स्पीसीज, प्लांट स्पीसीज में समय का कुछ वेरिएशन हो सकता है। तो इस तरीके से एक सेल साइकिल कंप्लीट हो जाती है।